कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हमें कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात करें। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अब देख बेटा होता क्या है। सबसे पहली बात, म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? जब भी आप कोई भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी प्राइमरी कॉइल में चेंज करोगे तो सेकेंडरी कॉइल की एक नेचर होगी जो अपोज करेगी उसको। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब हम याद रखना, इट स्टेट दैट व्हेनेवर द या इट इज ए फेनोमेना, इट इज ए फेनोमेना, ये हर कॉइल में होगा बेटा, फेनोमेना ऑफ ए कॉइल बाय वर्चू ऑफ विच व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary coil changes and induced EMF produced in secondary coil या neighboring coil को ही हम आगे जाके प्राइमरी का सेकेंडरी कहें। तो जब भी हम बेटा whenever it is a phenomena of a coil by virtue of which whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, primary को हटा दो चूंकि neighboring लिख दिया आपने, किसी भी coil के क्रॉस आप किसी भी फ्लक्स को चेंज करोगे जो उसके पड़ोस में हो, होगा तो इंडक्शन होगा वरना नहीं। तो मैंने वही कहा बेटा विद कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो हुआ क्या बेटा, कि कॉइल का नेचर है, कॉइल का एक सिंपल सा नेचर है कि ये कॉइल है प्राइमरी है, इसमें तुमने कोई सोर्स लगा रखा बेटा, ये इसके साथ सेकेंडरी कॉइल। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने यहां पर ये हमने आर्मेचर लगा रखा है, पहले इसमें कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, अब जैसे इसमें हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होगी और करंट की डिफ्लेक्शन जो पहले जीरो थी, अब हम देख सकते हैं कि जो पहले जीरो था उसकी डिफ्लेक्शन इधर हो जाए, ये रहा है जो पहले ऐसे था, ये रहा वो साइड इफेक्ट। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें तो हम कहेंगे ये क्वाइल वापस हमने कहा, और दूसरा यहां पे अगर हमने आई की वैल्यू को डिक्रीज किया, इस बार आई की वैल्यू, आई इज डिक्रीजिंग, अगर आपने करंट की वैल्यू को डिक्रीज किया ये रखा और इसके साथ आपने किसी क्वाइल को रखा, यहां देखो ना, अगर हमने आई को यहां पर डिक्रीज किया, आई इज डिक्रीजिंग, अगर ऐसा है कि आपने करंट की वैल्यू को आई इज डिक्रीजिंग अगर आपने डिक्रीज किया तो यहां पे जो इसका नेबरिंग कॉइल है उसमें जो डायरेक्शन होगी वो जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन होगी इसको सपोर्ट करेगी, ये होगी इंड्यूस्ड डायरेक्शन, और ये जो करंट की डायरेक्शन है उसमें ऐसे दिखेगा जो पहले जीरो जीरो। और अगर आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, इसको बेटा हमने कहा यहां पे अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट है, ये रखा इसमें अगर आई पास कर रहा है लेकिन आई की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट है तो इस पूरे क्वाइल में कोई भी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नजर नहीं आएगा, ई की वैल्यू जीरो होगी और जो क्वाइल होगा उसमें करंट की कोई डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं है। ये म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कि प्राइमरी क्वाइल में अगर आपने कुछ भी चेंज किया, चेंज करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं जो ये चैप्टर्स है वो ये समझाता है कि हम कभी भी इंडक्शन, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे सेल्फ हो, चाहे म्यूचुअल हो, इंड्यूस्ड वॉट जो बनता है बेटा वो चेंज के अगेंस्ट बनता है, किसी क्वांटिटी के अगेंस्ट नहीं। मतलब हमने ये नहीं कहा कि इसमें आई तुम इस डायरेक्शन में पास करोगे तो इंड्यूस में प्रोड्यूस होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा करंट की डायरेक्शन वही रखो लेकिन जैसे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस्ड की वैल्यू प्रोड्यूस हो,
इसका ये मतलब, इसको वैसे समझे ठीक है बेटा। तो जब आई को डिक्रीज करेंगे और जब आई को इंक्रीज करेंगे, डायरेक्शन की बात में नहीं कर रहा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि देखो पहले केस में इंक्रीज का मतलब क्या है कि अगर करंट पहले 5 था फिर 10 हुआ फिर 20 हुआ तो यहां पे दूसरे को रिशो, इसका मतलब है कि डायरेक्शन वही रखना है। अगर हमने इसको 10 20 के बाद 10 किया 5 किया तो भी होगा, उल्टा करोगे तो भी होगा, लेकिन पॉजिटिव में भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज किया जाए। बट इंक्रीज का मतलब, डिक्रीज का मतलब प्लस माइनस साइन से नहीं है, क्वांटिटी से है कि अगर आपने आई की वैल्यू को चेंज किया तो उसको ये फर्क पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल का मतलब है कि अगर आई कांस्टेंट है, अब आई कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 एम्पीयर हो, चाहे 2 एम्पीयर हो, चाहे 3 एम्पीयर हो, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंडक्शन है उसका फ्लक्स से कोई मतलब नहीं, करंट ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा, लेकिन उस फ्लक्स को जब तुम चेंज करोगे तो उस पर इंडक्शन को, ये इसका क्लियर, ये इसको हम ऐसे समझो, ये इसका सेंस हो गया बेटा। चलो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ये चेंज के डायरेक्शन को अपोज करती है। फिर मैं कह रहा हूं चेंज के डायरेक्शन को, ये तो समझना है कि देखो ऐसा नहीं कि करंट इधर होगा तो इंड्यूस इधर होगा, ये तो मैं बोल रहा हूं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को अपोज नहीं करता, इसलिए उसके डायरेक्शन में उसका काम करना नहीं करना इससे कुछ डिसाइड नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ, मैं मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से ये समझाने की कोशिश कर रहा है शिक्षा कि अगर तुम इसी डायरेक्शन में करंट को बढ़ा रहे हो तो इंड्यूस तुमको अपोज कर रहा है, लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में तुम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूसर की डायरेक्शन चेंज होगी, तुम्हारी तरफ काम कर रहे हो ठीक है ना। तो ये आई के चेंज से इसका डायरेक्शन का, तो अगर इंक्रीज होगा कहीं पे करंट इंक्रीज होगा ना तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में काम करे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, और अगर डिक्रीज होगा तो उसका उसके सेम डायरेक्शन में काम करेगी, ये इसका मतलब है। जैसे फील्ड के साथ होता है, सेकंड के साथ हो, तो अगर कहीं पे तुम ईएमएफ बढ़ा रहे हो तो इंड्यूस उसको अपोज करेगा। अब देखो जो काम करंट इंड्यूस करंट का है, जो काम ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का है, वही काम बी नॉट और इंड्यूस मैनेजमेंट तीन है किसे। तो अगर हमने कहीं पे इंक्रीज किया तो देखो डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब किसी कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज बढ़ रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं कि इंड्यूस करंट होगा दूसरे कॉइल में वो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कभी सोचना नहीं। करंट को अपोज नहीं करना है, चेंज इन करंट को अपोज करना है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज पे काम करेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट उसको सपोर्ट करेगा, यानी वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा, ये इसका मतलब, इस दोनों फिगर का ही मतलब है जिसको समझना है ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहां पे कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई की वैल्यू, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा फाई इन नेबरिंग क्वाइल जो होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी क्वाइल में फील्ड कितना है, क्योंकि नेबरिंग क्वाइल का एरिया फिक्स होता है। इसका मतलब हो गया सीधी और सिंपल सी बात जो है कि फाई जो है, देखो ये फाई वो है जो नेबरिंग क्वाइल में प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट ये प्राइमरी क्वाइल का है, ये रहा फाई इज इक्वल टू एम इंटू आर, ये रहा एम म्यूचुअल इंडक्शन, वेयर एम इज कांस्टेंट और इसको हम कहेंगे कॉल कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसीलिए मैंने कहा कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस को की वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है आप लोगों के लिए कि म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए वहीं से ट्रू मिलेगा। वहां भी हमने बोला है कि आर की वैल्यू वी और आई पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, उन स्लो की जैसा काम कर रही है। यहां पर हम कह सकते हैं फ्लक्स और करंट का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर एम की वैल्यू जो होगी फाई अपॉन आई के, लेकिन हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एम जो होता है इज इंडिपेंडेंट टू फाई एंड आई। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड, ठीक है, करंट डबल फ्लक्स डबल रेशियो से उसे तो फैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इस ग्राफ में
जो m की वैल्यू होगी वो स्लोप के इक्वल होगा, स्लोप ऑफ फ्लक्स वर्सेस i का। ये पूरे ओम्स लॉ के तरीके से क्वेश्चन को आप यहां से रीड कर सकते हैं और यहां से किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जा सकता है, किसी फॉर्म। आप ये कहेंगे यहां पे m की वैल्यू जो होगी इसका मतलब, स्लोप का मतलब होता है कि m को हम लिखेंगे tan थीटा k। यानी कि अगर किसी ग्राफ में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो बड़े आराम से बात की जा सकती है। यहां देखो ये फाई और आई का ग्राफ है, अगर दो अलग अलग कॉइल है, एक में ये इसका म्यूचुअल इंडक्शन M1 है, दूसरा अगर M2 है, तो हम ये कह सकते हैं M1 की वैल्यू M2 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी उसका भी जवाब, उसका रीजन ये है कि इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो फाई वन होगा, इसका फ्लक्स होगा वो फाई टू होगा, मतलब एंगल जो होगी बताया ये थीटा वन होगा, ये थीटा टू होगा, और हम कहेंगे यहां पे थीटा वन की वैल्यू बड़ी है थीटा टू से, इसलिए टैन थीटा वन की वैल्यू बड़ी होगी टैन थीटा टू से, इसलिए एम वन की वैल्यू बड़ी होगी एम टू से। ग्राफ में हमेशा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि यही रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा, यही कैपेसिटेंस के लिए यूज होगा, यही इंडक्टेंस के लिए यूज होगा, तीनों के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब हर जगह। ये बिल्कुल सेम चीज है फिजिक्स की जो चल रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो क्या शुरुआत है, बी इज इक्वल टू आर इंटू आई कहो, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी कहो और फाइ इज इक्वल टू एल इंटू आई कहो, तीनों बेसिक एक ही पार्ट है और तीनों का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा प्रकाश गौतम दिमाग में रखना है कि आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, और एल या एम यहां पे लिख दूं मैं, फाइ इज इक्वल टू एम इंटू आई, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जो होती है वो फ्लक्स और करंट पे डिपेंड नहीं करती, सभी की जैसे सभी की बात ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान, चलिए इसको नोट कीजिए आप। अब याद है एम इज इक्वल टू फाइ अपॉन आई, ऐसा यूनिट जो होगी इसकी बेटा वो होता है ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो हो जाएगा वेपर पर एम्पियर, या इसको हम हेनरी कहते हैं और हेनरी, और इसको या फिर हम ओम इंटू सेकेंड लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला, क्योंकि वहां पे कई बार मेडिकल में क्वेश्चन बना कि हेनरी अपॉन ओम इसका डायमेंशन क्या हो, लगे बच्चे कैलकुलेट करने मारने पर, कुछ नहीं करना था। यार देखो यानी कि तुम जब चाहो इसको नोट करके ध्यान रखना है, हेनरी जो होता है वो ओम पर सेकंड के इक्वल होता है, ओम इंटू सेकंड के इक्वल, तो हेनरी अपॉन ओम को हम जब चाहे तब सेकंड लिख सकते हैं, यानी कि जो डायमेंशन होता है हेनरी अपॉन ओम, जिसको हम एल बाई आर भी कहते हैं, इसका डायमेंशन हमेशा टी के इक्वल, संभाल के रखेंगे इसको। एक तरीके से डायमेंशन पे फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार। इधर दूसरी पार्ट, अब जो डिस्कशन हो रही है वो यहां से कि आखिर हम यहां पे जो कर रहे हैं तो इंड्यूस ईएमएफ का क्या मतलब है। याद रखो अगर फाई आपको पता है तो इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होती है उसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आई, और फिर हम ये कह सकते हैं यहां से बाहर निकाल इसको एम को इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी। अब यहां से भी क्वेश्चन जो है बेटा वो दो हिस्से में बनते हैं, यहां से भी यहां देखो, पहला इंड्यूस ईएमएफ का पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनता है E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी वाली कॉन्सेप्ट से, जहां पे क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा होगा, E की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, पहला होता है आई और आई जो होता है वो होता है फंक्शन ऑफ टाइम, पहला क्वेश्चन यहां से बन जाए। मतलब किसी क्वाइल में करंट कैसे वैरी कर रही उसके बारे में बात है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाऊं कि इफ करंट
increases from 1 ampere to 2 ampere. एक से दो हो गया करंट की वैल्यू 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई और टाइम दे रखा है कि टाइम कितना है इन साथ में दे रखा है बेटा 1 सेकेंड. अगर क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्शन इफ एम इज इक्वल टू गिवन है बेटा 2 मिली हेनरी या 2 हेनरी या 2 मिली हेनरी तो बताना है आपको इसको 0.1 कर दो बेटा तो आपको बताना है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ. पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये रहता है. तो यहां पे सीधी कॉन्सेप्ट है सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा जिसमें सिर्फ वैल्यू रखो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा यहां पे इसकी वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करते तो इस ऐसे कंडीशन में पहले केस में ये हो जाएगा कि ई इज इक्वल टू हमने कहा माइनस एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ये रहा डेल्टा आई बाई डेल्टा टी. अब माइनस एम ये दे रखा है इसको लिखेंगे एम के जगह पे 2 मिली हेनरी 10 की पावर -3. अब चेंज इन करंट वो दे रखा है 2 माइनस 1 टाइम दे रखा है 0.1. सॉल्व कर दो इसको ये हो जाएगा -2 × 10 की पावर -3 1 अपॉन नीचे 0.1 ऊपर जाएगा ये 10 हो जाएगा. सॉल्व कर लो -0.02 वोल्ट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू. अब इसमें खतरनाक बात क्या है बेटा इसमें बच्चे मेडिकल वाले कैसे गलती करते हैं जनरली माइनस प्लस दोनों ऑप्शन में होता है ये ध्यान रखना है. चेंज का मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि वहां पे आंसर जब होगा तो ये आंसर के दो ऑप्शन होंगे प्लस और माइनस. हमने जो चेंज निकाला उसमें हमेशा 5 2 - 5 1 की बात या I2 - I1 की बात की जाए पहले जो बाद में करंट है उसमें से इसको माइनस करना है. हमने डिफरेंस नहीं लिया हमने चेंज लिया. अब चेंज में साइन वैरी कर सकता है डिफरेंस तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा वैल्यू पे डिपेंड करेगा लेकिन बेटा जब साइन हो ना तो उसमें ध्यान रखना है कि 5 2 - 5 1. अगर यही क्वेश्चन होता कि एक सर्किट में करंट पास करिए 1 एम्पियर की हमने स्विच ऑफ कर दिया और टाइम लगा 0.1 सेकेंड स्विच ऑफ का मतलब 1 से 0 तो यहां पे I2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी I1 की वैल्यू I होगा और यही आंसर प्लस में है. समझ में आ गया तो एक साइनस की वाला हिस्सा इसको हमेशा ध्यान रखना है बैकअप रखना क्योंकि ये चीजें ज्यादा परेशान करती है. आप सब कुछ सही करके आओगे पता चलेगा साइन के चक्कर में सारी गलतियां. तो एक क्वेश्चन भी यहां से ये बन जाएगा नोट करो बेटा फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या केस टू अगर करंट का रेट सेम ना हो मतलब सेकंड केस हम कह सकते हैं आई फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब हो गया आई इज इक्वल टू लाइक 2t² + 4t वगैरह वगैरह +6 जो भी कुछ ऐसा कुछ दे रखा है और फिर कोई कह रहा है फाइंड करो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्वाइल इफ म्यूचुअल इंडक्शन इज अगेन 0.2 हेनरी एट t = 1 सेकेंड. ऐसे क्वेश्चन इस तरह की बात कर सकते हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस करना हो तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे t = 1 सेकेंड t² - 4t + 6 दे रखा है. तो देखो ऐसे केस में फिर वही बात है t = क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे t = जो है -mdi/dt. आप इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले इसको कैलकुलेट कर लो di/dt की वैल्यू हो जाएगी 2t - 4 t की वैल्यू 1 रखो ये हो जाएगा 2 × 1 - 4 ये हो जाएगा माइनस. अब e की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा -m दे रखा है 0.2 × di/dt ये दे रखा है 2 - 2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा +0.4 वोल्ट. ऐसे आ रहा है ये है कि हम करंट को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो मैंने कहा ना पहला डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेंज कर दो कि इतना टाइम पे इतना इंटरवल के बीच में इसको हम डेल्टा 5/डेल्टा देखते हैं. फिर मैंने उसको कहा था कि आप उसको रेट ऑफ चेंज से कैलकुलेट कर लो जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं. तीसरी बात ये हो सकती है कि यही चेंजेस ग्राफिकल फॉर्म में दी जा सकते ग्राफ के अंदर बात कर सकते हैं. यहां तक होता है केस 3 यहां पे इज इक्वल टू यहां से बात हो सकती है ये आई और टी के बीच का ग्राफ हो सकता है आई और टी और यहां पे भी हम कह सकते हैं कि जो भी इसका स्लोप होगा स्लोप वो हमेशा डी आई बाई डी टी को रिप्रेजेंट करेगा.
स्लोप हमेशा डी आई बाई डी टी को, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस एम इंटू स्लोप से बात की जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि माइनस का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस टू वोल्ट है और कहीं पे माइनस फोर है, तो माइनस टू बड़ा है माइनस फोर से, प्लीज ये मत समझना। बड़ा तो फोर ही है, माइनस फोर माइनस टू से बड़ा है, क्योंकि माइनस साइन यहां पे सिर्फ नेचर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो यहां से इस चीज को देखा जा सकता है कि सबसे पहली बात कि अगर स्लोप ज्यादा हो गए, जैसे हमारे देखो क्वेश्चन कैसा है, अब अभी तक तुम फाइव वर्सेस आई की बात कर रहे हो, मैं टीस की बात कर रहा हूं, ये दो क्वायल एक का एम वन है दूसरे का, दोनों क्वायल का म्यूचुअल रिएक्शन सेम है, ईएमएफ ई वन और ई टू की बात हो, ठीक है। अब यहां पे जो है ना, तुमसे कोई पूछता है किसका इंडक्शन क्यों ज्यादा है, जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू ज्यादा है, आप यहां पे कहोगे ई जो होगा प्रोपोर्शनल टू सीधा टैन थीटा के इक्वल, जिसका एंगल बड़ा है उसकी ईएमएफ की वैल्यू भी इंडक्शन बड़ी रहेगा। यहां से बात कर सकते, देखो पहले जो लिखा था वो था म्यूचुअल इंडक्शन, जो फाई और आई की बात करते हैं, जब आई की बात करोगे, आई और देखो ध्यान से, जब आई और टी की बात करो या फाई और टी की बात करो, वो फाई और आई के बीच का ग्राफ था, यहां पे तीन ग्राफ है जो आपको परेशान कर सकते हैं। पहला ग्राफ की एक्सिस थी फ्लक्स वर्सेस करंट, उसका स्लोप हमेशा एम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी हमने ग्राफ की, हमने कहा कि आई वर्सेस टी, वो ग्राफ ई को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा ग्राफ जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए, अगर फाई वर्सेस टी का ग्राफ है तो सीधा वो ई की वैल्यू को रिप्रेजेंट। मैं तीनों ग्राफ को बैक टू बैक लिख देता हूं ताकि तीनों को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए एक साथ, ठीक है ना, अलग से नोट करके पहले इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है ना, ये इसका मतलब। कंफ्यूजन ना, वो देखो क्या बेटा, अब देखो अगर कोई ग्राफ ई वर्सेस फाई वर्सेस टी का है तो उसका स्लोप तो वैसे बेटा ई इज इक्वल टू माइनस स्लोप जो होता है बेटा इसके इक्वल होगा माइनस टैन थीटा के, इस ग्राफ को जो भी स्लोप है उससे हम बात कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दूसरी मैंने जो भी इसका ग्राफ हो, स्लोप मतलब यहां पर एंगल की बात है जो थीटा है यानी कि टैन थीटा, हम कह सकते हैं माइनस टैन थीटा। अगर कोई ग्राफ फाई वर्सेस आई का है तो इधर साइन का कोई काम नहीं होता, क्योंकि कोफिशिएंट जैसे रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, म्यूचुअल रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, आर सी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पे जो है ना इसकी वैल्यू ई इज इक्वल टू ये स्लोप के इक्वल है और ये टैन थीटा के इक्वल, ध्यान रखना इसको, ये रहा ये थीटा, ये फाई वर्सेस आई है, फाई वर्सेस दोनों फर्क। और तीसरी बात जो हमने लिखी आज वो लिखी आई वर्सेस टी की, यहां पे भी हम बात करेंगे इसी के, मतलब ये भी इसका भी जो स्लोप होगा वो ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एम होता है म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी इधर ई है, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस टैन थीटा। तो यही फर्क है, फाई वर्सेस टी में वो इक्वल था और आई वर्सेस टी में वो प्रोपोर्शन है, ये इक्वल ही है, और यहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ये तीन ग्राफ हो सकते हैं, पहला दूसरा ग्राफ, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरे ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, कहीं कोई मिक्सअप नहीं, ये तीसरे ग्राफ की बात है जो हमने एनालिसिस में की। अब अपने आप ही आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, और डिफरेंस यही है कि यहां भी ईएमएफ है, यहां भी ईएमएफ है, लेकिन यहां पे इक्वल है, यहां पे प्रोपोर्शन है और ये म्यूचुअल इंडक्शन। इन तीनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम बात करेंगे यहां पे टू डिटरमाइन द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वो हम कैसे निकालें, तो इसके लिए वर्किंग रूल तीन स्टेप पार्ट होते हैं बेटा, एक स्टेप में 10 सेकंड लगता है, तीन स्टेप में 30 सेकंड में आप किसी भी क्वायल का म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते, हार्डली 1 मिनट, ठीक है। इधर देखो सबसे पहला स्टेप 1 पहले तो ध्यान से एक बार देखो हमने किया क्या वर्किंग रूल में। सबसे पहले हमने दो क्लू लिया, इसको ध्यान से दोबारा सुन लिया जाए गौतम, फिर उसके बाद से लिखना बेटा, ध्यान से सुनो से अच्छा।
पहले केस में क्या करना था, इसमें कंफ्यूजन नहीं सकता, हमने निकालना है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन क्वाइल 1 ड्यू टू 2, इसी में सब कुछ है, क्वाइल 1 ड्यू टू 2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी टू निकालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी टू, क्योंकि जिसके वजह से निकाल रहे हैं, और फिर हम पहले क्वाइल में उसके वजह से फ्लक्स निकालेंगे, उसको पढ़ते हैं 5 मिनट, फ्लक्स इन क्वाइल 1 ड्यू टू क्वाइल 2, और अब क्या करेंगे, जिसका फील्ड है वो और बाकी जिस क्वाइल में निकाल रहे हैं, तो जिसमें निकालते हैं उसका टर्न, उसका एरिया, जिसके वजह से निकालते हैं उसका फील्ड, ये हो जाएगा N1 A1 B2। अब सिंपल फॉर्मूला M12 म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा उस फ्लक्स को हम I2 से डिवाइड कर देंगे, phi 1 2 पर कैलकुलेट किया है, I2 से डिवाइड कर दो काम। दूसरी केस हमने कंसीडर की है कि टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन क्वाइल 2 ड्यू टू 1, मतलब इसमें पहले के वजह से दूसरे में निकालो। अब पहले के लिए इसलिए फील्ड उसी का होगा जो पहले की बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिससे पूछा जाए ना उसका फील्ड रखना होता है, जिसमें पूछा जाए उसका एरिया और उसका टर्न लिखना, सुना क्या कहा मैंने, जिससे पूछा जाए उसका फील्ड, जिसमें पूछा जाए उसका एरिया और टर्न, बस इतनी सी बात। तो ये हो जाएगा बेटा स्टेप टू, हम निकालेंगे फ्लक्स इन क्वाइल 2 ड्यू टू 1, तो किसमें निकाल रहे हैं, 2 में निकाल रहे हैं, इसलिए उसका एरिया, उसका टर्न और फील्ड जिसके वजह से निकाल, ये निकल जाएगा 5 to 1, और जैसे ये कैलकुलेट हो गया इसको बेटा स्टेप 3 सिंपल सी बात है, M21 को लिखेंगे 5 to 1 अपॉन I1, रखो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ये इसका मतलब है। और ये बिल्कुल टिप्स पे याद रखना चाहिए बेटा जब भी हम इसको कैलकुलेट, और फिर देखो बेटा क्या करना है, उसके पास करना ये है कि मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा इसका, मैंने कहा हमारे पास फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन क्वाइल 2 ड्यू टू 1, और ये दे रखा है, और क्वाइल ऐसा है, ये क्वाइल है हमारे पास जो कि सोलेनाइड है, जिसका लेंथ दे रखा है ये रहा, और इसके अंदर एक दूसरी क्वाइल रखी गई, ये रहे, ये क्वाइल इसके अंदर है, जो इस क्वाइल के अंदर है ये रहा, ये है सेकेंड नंबर क्वाइल, ये है फर्स्ट, और हमें इस क्वाइल के अंदर ये रहा, इसमें करंट आई है, हमें यहां पे इसके अंदर निकालना है क्वाइल इन टू ड्यू टू 1, तो सबसे पहली बात होगी B1 की, देखो क्या 3 स्टेप में आंसर कैसे निकलेगा, पहला स्टेप B1, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन वन इन टू आई, इसको लिखेंगे म्यू नॉट टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ इन टू 1, बस पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में फ्लक्स फाइव टू इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना एन टू ए टू इन टू बी वन, रख दो इसको म्यू नॉट एन वन एन टू इन टू ए टू अपॉन एल साथ में आए, बस। और तीसरे स्टेप में बेटा आप घड़ी देखेंगे 3 सेकेंड लगना चाहिए इसके अंदर, M21 की वैल्यू हो जाएगी 521 को I से डिवाइड करो, जैसे I से डिवाइड करोगे आंसर निकलेगा ये रहा, यानी कि इसको लिखेंगे म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू अपॉन एल, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, बस ठीक है। अब मैंने कहा नहीं ये शुरुआत है, एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरा देखो बेटा, ये जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ सेल्फ इंडक्शन में ही किसी क्वाइल में ही जो होगा उसी में होगा, क्वाइल तो सर्कुलर हो सकता है, सोलेनोइड हो सकता है, तो सब अलग अलग नाम है, तो यहां पे एक और दूसरा ये, और तुमसे कोई ये जानना चाहता है कि यहां पे इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसमें करंट आई है, बताना है कि इसमें ये 2 नंबर क्वाइल ये फर्स्ट है, म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, ये दिया फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन इन क्वाइल, ये बेटा 2 है ये 1 है, इसकी बात कर सकते हैं, इसमें करंट ये हो गया आई, और हमें बताना है कि पहले क्वाइल में दूसरे क्वाइल से कितना म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब हमें निकालना है यहां पे M12, ये क्या है M12, सबसे पहला काम होगा, देखो मैंने कहा ना 3 स्टेप में आंसर निकलना चाहिए ना, यहां पहला B2 निकाला जाए, म्यूट अपॉन 4π2πi अपॉन कैपिटल, जैसे आगे बेटा अगला स्टेप में फ्लक्स फाइव टू इज इक्वल टू, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी B2 into A1, एरिया अंदर वाले का होगा,
ठीक है ना, क्योंकि जिसमें निकाल रहे हैं ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर इन टू पाई आर का स्क्वायर, बस क्वेश्चन खत्म। और फिर इसको आई से डिवाइड कर दो, म्यूचुअल इंडक्शन इन वन ड्यू टू टू, ये हो जाएगा फाइव वन टू अपॉन आई, इसको आई हटा दो, यहां से हो जाएगा म्यू नॉट पाई इन टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर, ये आंसर। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन, जो भी दिक्कत होगी ना नेहा तो सिर्फ मैग्निफाइड निकालने में होती। यहां देखो एग्जाम्पल नंबर थ्री, हम यहां से ये बात कर सकते हैं एक स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एक स्क्वायर रूट है, इसका साइड ए है और इसका साइड टू ए है, करंट इसमें पास कर रही है, बताना है आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक निकालना होगा, मतलब ये सेकेंड नंबर क्वायर, ये पहला नंबर क्वायर, फर्स्ट इज आपको निकालना है फाइव वन टू, फिर दूसरे का, और फिर निकालना बहुत जरूरी है, तो फिर पहले एक आर्म्स का निकालेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पे, पहले हम निकाले बी, ये होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और साथ में हो जाएगा कॉस 45 या साइन 45 प्लस साइन 45, एंगल अगर यहां से देखोगे तो साइन, यहां से देखोगे तो कॉस, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45, ये हो जाएगा 1 बाय रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू, और ये एक साइड का निकला है, टोटल चार है इसलिए चार से मल्टीप्लाई कर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे म्यू नॉट, देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, और इसको लिखेंगे साथ में साइन 45, साइन 45 का मतलब हो गया 4 रूट टू, भाई रूट टू यहां और 4 यहां, बाहर तो सोने वाले, बस उसके बाद सिंपल से काम होता है, फ्लक्स निकालना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो बी आया उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये तो रखा हमारे पास, मैं यहां पे लिख दू ऐसे क्वेश्चन को, फिर हम क्या करेंगे यहां पे ऐसे केस में, या फिर यहां नीचे लिख दो, इधर यहां देख दो स्टेप इतना ही चाहिए मुझे, इसी के नीचे काम चलो। अब हमने कहा बेटा फ्लक्स निकालना है, बी दे रखा है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, कर दो इसको, तो फाइव इज इक्वल टू बी हो गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये हो जाएगा टू आई अपॉन ए, साथ में फोर रूट टू इन टू ए का स्क्वायर, ए से कैंसिल कर दो, बस आई को हटा के जो कुछ बच गया ना एम वन टू, ये फाइव वन टू, इसको लिखेंगे फाइव वन टू को आई से डिवाइड कर, ये आई छोड़ के जो बच गया सब वही है, आई को हटा दो यहां से, म्यूट अपॉन फोर पाई, ये हो जाएगा एट रूट टू इन टू ए, बाकी सॉल्व कर लो आगे, फोर से फोर को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई टू रूट टू इन टू ए, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू। किसी भी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ तीन चीजें पता है, फील्ड फ्लक्स और आई से डिवाइड कर, यही तीन काम होते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के, ठीक है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, तो याद होता है, बात होगी यहां पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑन बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, अब ध्यान रखेंगे इसे ओरिएंटेशन, तुम्हारे पास देख ये क्वायर, पहला क्वायर ये, और बिल्कुल इसमें दूसरी क्वायर इसमें इन्वॉल्व है, ये राज, एक क्वायर ऐसे है और दूसरी क्वायर जो है बेटा वो इसके साथ, ये तेरी पड़ोसन होगी बगल वाली, ये सामने वाली, और तीसरी कुछ ऐसी बेटा, ये राज एक क्वायर और ये रे। अगर आपसे कोई कहता है कि हमारे पास कॉन्फिगरेशन है तीन अलग अलग क्वायर का, पहला क्वायर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और फिर आपसे कोई कहता है बताओ तीनों में किसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये M1 है, अगर ये M2 है, अगर ये M3 है, तो किस में ज्यादा, जवाब होगा M1 की वैल्यू बड़ी होगी M2 से, बड़ी होगी M3 से, ये जानते हो किस बात को रिप्रेजेंट कर, ये समझाया तुमने क्यों कहा सामने, जरा ध्यान से सुनो, जो तुमने कहा कि सामने वाले आंटी से, छोटे बोला जैसे दिमाग लगाया ना कि सामने वाले आंटी से ज्यादा, वो एरिया वेक्टर है, म्यूचुअल इंडक्शन एरिया पे डिपेंड करता है अगर फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब तुम सेम हो बट तीन अलग अलग लोग हैं, जिसपे तुम्हारा एरिया वेक्टर ज्यादा होगा उसी म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा,
ये दिखाता है, ये यहां से पता चला कि phi इज प्रोपोर्शनल टू a, और a नहीं, a कहना इसकी बेइज्जती होगी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। एरिया तो हर जगह होता है बेटा, यानी कि फ्लक्स को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एरिया। कि भाई जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, चूंकि सबसे ज्यादा नजर सामने वाले पे होता है, इसलिए उसका इफेक्टिव एरिया ज्यादा होता है। अब एक बोर्ड है ना, तुम सोचो जरा क्या चल रहा है। एक बोर्ड के बिल्कुल जो सामने बच्चा बैठा है उसके लिए एरिया अलग होगा, जो कोने में बच्चा बैठा है क्लास में उसके लिए एरिया अलग होगा। एरिया सेम है बोर्ड का, लेकिन हर बच्चे के लिए इफेक्टिव एरिया अलग है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी क्वायल में हम जो फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन निकालते हैं, और जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स में एरिया नहीं इफेक्टिव एरिया मेजर डिपेंड करता है कि कैसे आपने रखा। उसी को तो एंगल से लिखा गया था कि अगर सेम डायरेक्शन का फ्लक्स मैक्सिमम होगा परपेंडिकुलर में जीरो हो जाएगा, अपोजिट विद उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, यही था। इसी को कहते हैं इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो